भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ उमा भारती के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। नमस्कार, मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं ग्राउंड रिपोर्टर के इस खास एपिसोड में। आपको बता दूं कि अभी चर्चाएं चल रही हैं कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा उमा भारती को चुनाव मैदान में उतार रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 2003 में उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करती हुई दिग्विजय सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल रही थी। वहीं इसके बाद कुछ माह पूर्व भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। साथ ही उन्होंने कई तरह की इसमें कमियाबी बताई थी और कहा था कि मैं सांसद के रूप में शायद सही नहीं हूं। इसके बाद अभी कुछ माह पूर्व उन्होंने दोबारा ट्विटर पे यह कहकर सभी को हतप्रभ कर दिया कि उन्होंने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मजबूर ना किया जाए। लेकिन कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है, उसी तरह से राजनीति में भी हर चीज जायज है। दिग्विजय सिंह ने जब चुनाव हारे थे तब ये घोषणा की थी कि वे 10 वर्ष तक चुनाव या राजनीति से दूर रहेंगे, जो उन्होंने पालन किया। लेकिन उसी के विपरीत संस्कृति और संस्कार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक महान नेतृत्व क्षमता रखने वाली उमा भारती ने जब ये कहा कि वे अगले 1.5 साल केवल राम मंदिर और गंगा के लिए ही समर्पित रहेंगी और गंगा किनारे ही अपना जीवन यापन करेंगी, लेकिन वह इससे पलट गईं। इससे समझ में आता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेतृत्व संस्कृति और संस्कारवान है। बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ, बहुत पहले कह चुकी हूँ बात। और दूसरा, अब इसको बार बार रिपीट करना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत पर्सनल सेंट्रिक होके ना बोलना नहीं चाहती हूँ बालों को। यानी एक बार कह दी मैंने बात, इतनी क्लियर कह दी, 1.5 साल पहले कह दी। और मेरा स्वास्थ्य खराब है वो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अच्छी, जो पैदल चलना चाहता हो उसका स्वास्थ्य कहाँ से खराब होगा। तो कह रहा हो कि मुझे 24 किलोमीटर पैदल चलना, बस राम मंदिर के निर्माण के लिए और गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए रहेगा। मैं इस 1.5 साल में चुनाव प्रचार में जब पार्टी कहेगी मैं भाग लूंगी, विधानसभाओं के जो चुनाव आगे होंगे उसमें भी लूंगी, अगर 1.5 साल के अंदर आएंगे लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें भी लूंगी, और 1.5 साल के बाद जब भी मैं राजनीति में एक्टिव होंगी, एक्टिव राजनीति में, तो लोकसभा का चुनाव लड़ गई होंगी, इसलिए मैं आराम से 5 साल वेट कर सकती हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी और संघ ये चाहता है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी भोपाल से हिंदूवादी कट्टर चेहरा या फिर संघ के बैकग्राउंड वाले व्यक्तित्व को चुनाव उतारा जाए। यही वजह है कि पहले साध्वी प्रज्ञा के नाम पर विचार किया गया, उसके बाद दाव उमा भारती पर खेलने की तैयारी की गई। अब बताते हैं क्या है वोटों का ध्रुवीकरण भोपाल में। भोपाल को बीजेपी की सुरक्षित सीट माना जाता है, यहाँ पिछले 30 वर्षों से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। दिग्विजय सिंह 93 से 2003 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे, वहीं 2003 में हार मिलने के बाद 16 साल तक दिग्विजय सिंह ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। वहीं इस चुनाव को दिग्विजय सिंह पार्टी का चुनाव बताकर मैदान में उतरे हैं, लेकिन अब तक बीजेपी की ओर से किसी नाम पर अंतिम मोहर नहीं लगाई गई है। दिग्विजय सिंह ने चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश की है, वहीं बीजेपी कट्टर हिंदूवादी लाना चाहती है। भोपाल से दिग्विजय सिंह का नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कट्टर हिंदुत्व चेहरे की तलाश जोरों पर थी, पर खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की तलाश उमा भारती के नाम पर आकर खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साध्वी प्रज्ञा के साथ संघ के बीडी शर्मा का नाम भी चर्चा में था। बीजेपी ने इस फैसले में नफा नुकसान के बारे में भी सोच रखा था, यदि ऐसा होता तो भोपाल की सीट पर काफी ध्रुवीकरण देखने को भी मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि दिग्विजय सिंह के सामने कोई भी आ जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वहीं भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित सीट माने जाने वाले भोपाल सीट से जीत को लेकर अपनी आश्वस्त है। उमा भारती हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि उमा भारती राम मंदिर के समय से ही भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व का चेहरा रही है। मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह सरकार को उखाड़ फेंकने में उनका बड़ा योगदान रहा। उमा भारती राम मंदिर की अगुवा नेता भी रही एवं खुद को राम का भक्त बताने वाले दिग्विजय सिंह को हर मोर्चे पर जवाब देने में सक्षम भी रही हैं। उमा भारती भोपाल से सांसद भी रही, लिहाजा वे भोपाल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। उनकी ये तमाम खूबी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। अगर उमा भारती भोपाल से उम्मीदवार होती हैं तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मिल सकता है। उमा भारती के चुनाव में होने से आमने सामने दो मुख्यमंत्री होंगे तो चुनावी मुकाबला रोचक, रोमांचक और देखने लायक भी हो सकता है। यह तो समय बताएगा कि कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी और क्या उमा भारती अगर होती हैं तो वे लीड कर पाती हैं या फिर कांग्रेस इस बार जीत का परचम लहरा देगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता आ रहा है कि विदिशा, भोपाल और इंदौर भारतीय जनता पार्टी की परमानेंट सीटें हैं, लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह भोपाल से खड़े होते हैं और उसके बाद क्या अंजाम होगा ये तो मतगणना के दिन ही पता चले।